अब ये बताइए कि फिर क्या है सोल्यूशन ऑनलाइन एग्जाम? तो ये कहा जाता है कि भाई हर बच्चे के पास तो सुविधा नहीं है, हमारे गांव में देहातों में कई बच्चे हैं जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई की भी सुविधा नहीं थी, तो वो एग्जाम कैसे देंगे? तो फिर क्या इंटरनल असेसमेंट पर करें? ये भी जिक्र फीकी ने किया है कि आप अगर ऑनलाइन भी परीक्षा कराते हैं, ठीक है, तो पूरे देश के 1.5 करोड़ बच्चे जो ग्रामीण पूर्वांचल में हैं, उनके पास स्मार्टफोन इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, सेंटर्स पे जाकर नहीं दे पाएंगे, उनके बारे में भी सोचना होगा। इसलिए यही फैसला है कि एग्जाम रद्द कर दिए जाए, और मुझे लगता है देश हित में बच्चों में ये फैसला ले लेना चाहिए बिना समय गवाए। अब फिर सुप्रीम कोर्ट में छोड़ दिया गया है, अब 3 जून को देखते हैं क्या फैसला होता है। लेकिन आपको पता है, एक एक पल हमारे बच्चों को मानसिक तनाव की तरफ ले जा रहा है। मुझे तो ये डर है कि बहुत से बच्चों ने अपने एक पेरेंट, किसी ने दो पेरेंट्स, किसी के घर में एक बंदा आज भी कोरोना से संक्रमित अस्पताल में है। आप उनकी हालात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? इसीलिए हम कहते हैं, अब मैं बोलूंगी नहीं, इनको मिर्ची लगेगी। औलाद वाले सरकार में होते तो दर्द महसूस। अच्छा, ये सब छोड़ें, रात का जी, ठीक।